अब अंतरिक्ष को नई आंखों से देखा जाएगा। ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों की तस्वीरें और रहस्य को खंगालने के लिए आ गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब तक के अंतरिक्ष के खुलासे करने वाला ब्रह्मांड की उम्र बताने से लेकर सौर मंडल में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने वाला हबल टेलीस्कोप रिटायर हो चुका है। अब कमान संभाली है अंतरिक्ष की खिड़की कहे जाने वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। अक्टूबर में इसकी लॉन्चिंग होनी है, लेकिन उससे पहले इसके गोल्डन मिरर यानी इसकी आंखों को धरती पर आखिरी बार खोला गया है। जांच पूरी होने के बाद ये बंद हो जाएंगी, उसके बाद सीधे अंतरिक्ष में खुलेंगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के गोल्डन मिरर को एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप क्यूमन ने बनाया है। इसकी चौड़ाई करीब 21.32 फीट है। ये एक तरह के रिफ्लेक्टर हैं, जो कई हेक्सागन टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं। इसमें ऐसे 18 हेक्सागन लगे हैं जो कि बेरिलियम से बने हैं। हर हेक्सागन के ऊपर 48.2 ग्राम के सोने की परत लगाई गई है। ये सारे हेक्सागन के टुकड़े एक साथ मुड़कर इसे लॉन्च करने वाले रॉकेट के कैप्सूल में फिट हो जाएंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा कि वो JWST को Ariane 5 ECA रॉकेट से 31 अक्टूबर को लॉन्च करेगी। ये धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। अगर इसे किसी मेट्रॉइड या सौर तूफान ने नुकसान नहीं पहुंचाया और ये सही सलामत रहा तो ये अंतरिक्ष में 5 से 10 साल काम करेगा। JWST को बनाने का नेतृत्व अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा कर रही है। जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इसे समुद्री मार्ग से यूरोपियन रॉकेट फैसिलिटी क्वारो ले जाया जाएगा। इस दौरान इसे पनामा कैनाल भी पार करनी होगी। इस यात्रा में इसे करीब 2 हफ्ते का समय लगेगा। मंगल ग्रह पर जो परसिवरेंस रोवर लैंड हुआ था तब 7 मिनट ऑफ टेरर था, यानी 7 मिनट तक वैज्ञानिकों के पास उसकी कोई खबर नहीं थी। लेकिन JWST को अमेरिका से यूरोप ले जाने में जो 2 हफ्ते का समय लग रहा है वो सबसे ज्यादा डरावना है, क्योंकि इस लंबी यात्रा के लिए इसके कुछ हिस्सों को अलग करके पैक करना होगा। उसके बाद यूरोप पहुंचने के बाद वापस उन्हें जोड़ना होगा। जरा सी भी गड़बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। इसके बाद सबसे बड़ी कठिनाई आएगी इसे धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर की यात्रा कराने में। इतनी दूर जाकर सटीक जगह पर इसे सेट करना, उसके बाद उसके 18 हेक्सागन को अलाइन करके एक परफेक्ट मिरर बनाना ताकि उसमें पूरी इमेज आ सके। अगर एक भी हेक्सागन सही नहीं सेट हुआ तो इसमें इमेज खराब हो जाएगी। लॉन्चिंग के करीब 40 दिन बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहली तस्वीर लेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च होने के बाद पूरे 1 साल तक दुनिया भर के 40 देशों के साइंटिस्ट इसके ऑपरेशन पर नजर रखेंगे। इस टेलीस्कोप की खास बात यह है कि इसे हबल टेलीस्कोप की तरह रिपेयर करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसकी रिपेयरिंग और अपग्रेडेशन जमीन पर बैठे ऑब्जर्वेटरी से 5 बार किया जा सकेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन की लागत $10 बिलियन है, यानी 73,616 करोड़ रुपए। इसे बनाने में मुख्य तौर पर नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडाई स्पेस एजेंसी ने काम किया है। JWST इंफ्रारेड लाइट को लेकर काफी संवेदनशील है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम को भी कैच करेगा, यानी जो तारे, सितारे, नक्षत्र, गैलेक्सी बहुत दूर हैं और धुंधले हैं उनकी भी तस्वीर खींच लेगा। UK ने इस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट को बनाने में मदद की है, साथ ही इसके ऑब्जर्वेशन का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है।